और अपनी अपनी ताने, अरे अपनी अपनी तान तान तान। और दे परचय सारा कि नाम गिरा में कुल गो तू पिता को, सो क्या है नाम बताने। और बिन शंका लंका में आया कौन काम के लाने सुनकर। इसी छंद पर खुश होकर हमारे जो कि सोनू बसोबा और दिलीप दाऊ के मामा जी हैं, चनू मामा जी, उनकी तरफ से आशीर्वाद आता है। मैं आशीर्वाद ही कामना चाहूंगा, लेकिन इधर अंगद कहता है कि जग पिता जगदीश जो जो जग पालनहारो,
और जन हरी की तूने हरी तो सिया सती सी नारो। अरे तू तू मैं वनो लगो नंदन का जन का जग जस जाने। अरे एरी तू तू मैं लगो सरपंच साहब अब नजर नहीं आ रहा कहां गए अपन मिश्री आ गए आ गए कि तू तू मैं उन रघुनंदन का सुजन का जग जस जाने। अरे जो माया भी धुंध भी हन परो जिसकी कांख में रहा कांकता छह महीने तू दबा दबा जिसके राशन का तू शासन। और 101 रुपए का पुरस्कार पल्लू मामा और पलूर माने दोनों शब्दी साहब हैं। सौ को रुपई ज्यादा मामा बल्लू और तुम भी आज उठा दो तुम्हें अपनो पल्लू ने लेकिन जिसकी काक में रहा काकता छह महीने तू दवा जिसके शासन का तू राशन खाओ महीना चबा चबा उस बाली का बेटा हूं मैं। इधर अंगद कहते हैं कि हे रावण जिसके शासन का तू राशन खाओ महीना चबा चबा उस वाली का बेटा हूँ मैं जिसे रहा तू नवा नवा कि मेरा किसके नाम धाम मेरा। अंगद खास दास का नाम अंगद कहते हैं अरे मेरा किस किन्ना बोधाम मेरे स्वामी राजा राम अंगद खास दास का नाम नालाज के रावण बोला सुन रे तू छत पर खुश होकर हमारे राहुल भैया और सोमवीर भैया और कालीचरण और हमारे राजकुमार भैया जी को 500 रुपए का पुरस्कार आता है। मैं आशीर्वादी कामना चाहूंगा। अरे रावण बोला सुन रे दूत ओ बाली के पूत का पूत बंता के
हो तब सीखा तू लाजू सुन कुल कलंक वाली सुत ध्यान लगा के सुत ध्यान लगा के रावण कहता है सुन कुल कलंक बाली सुत ध्यान लगा के अब हाल बाली माता के मुंह ज्ञाता के अंगद ने कहा तब फिर एक पैर जमा के अंगद ने कहा तब फिर एक भुजा उठा के खुद हाल पूछ लेना सुरपुर में जाके खुद हाल पूछ लेना सुरपुर में जाके बता दादा मजा आ रहा हो कि नहीं आ रहा ना कि जिसकी एक बान के लगते और तज दई दे पिता ने और उन्हीं राम के हाथ लिखी है मौत तेरी विधि नाने सुन और 500 रुपये का पुरस्कार हमारे कुणाल भैया नचरौली और कायरव बड़ोर और मामा सोनू दिलीप आशीष और विवेक 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं लेकिन पवन भैया क्या 500 रुपये ज्यादा भैया कुणाल क्या 500 रुपये ज्यादा भैया कुणाल और इनकी लाज रखियो यशदा के नंदलाल जय जय सिया राम औरे 101 रुपए का पुरस्कार हमारे लोकगीत युगल गीत बुंदेलखंडी श्री राम साय यादव अभिषेक कूड़ पुरस्कार हमारे बल्लू मामा और बड़ोरो भाई समझी और किल जो आए भाई समझी दोनों समझी दे रहे तो 50-50 रुपया सीख न मूर्ख माने हाँ सीख न मूर्ख माने सुंदर भाई कि सुन रावण अभिमान तज सादरो सिगले साथो और सौंप सिग्या गहले चरण तुच्छ मा करे रघुनाथ और पर न लाख जतन करने पर बचा न पे Thank you.
हमारे नीरज सरपंच आप कहाँ गए मंच पे बोला लेकिन चंदलान हमारे राजकुमार भैया के लिए कहना है ए ले पढ़ो गजब को डेरा राजकुमार यादव को पढ़ो गजब को और चाहे को करो बसेरा तो मैं करने और चार चार तो भैंसे लग रही चार नहीं मतलब दस लग दस सुनिए कौन तो चार तो कम कहीं क्या बात है भैंसन को क्या करे सो अरे खाओ खूब बर्फी पेरा आ राजकुमार भैया को पढ़ो गजब को संगे संगे लेकिन हमें आज तक ग्राम में बाकी में ग्राम लगत जो नीको आज कूड़ ग्राम बाकी में बड़ी श्रोता है ग्राम लगत जो नीको तुम ऐसो अब देखो खाओ बर्फी पेरा और ध्यान करने संजना और ग्राम कूड़ में जन्म देखो जो अकेलो सेरा राजकुमार चौकड़िया पर खुश होकर हमारे राजकुमार भैया की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार अकेलो सेरा और स्वांग बना के सभा में गा रहो एल अब काशी को चेरा पत्नी लप लप जाए पत्नी
और आशीष भैया, भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात,